हाय गाइस, मैं हूँ संजय। गाइस आज हमें खाटू धाम जी मशीन की सर्विस करनी है। मशीन है बीएसएनएल। गाइस ये देखो मशीन, मैं तो इनको बोल रहा हूँ मशीन की सर्विस क्यों करवानी है। आप सर्विस किस लिए कराना चाहते हैं? सर्विस, पूरी सर्विस, फुल सर्विस, इसलिए कि किसी प्रकार की आवाज नहीं आए, एकदम शॉर्ट चले, बढ़िया काम हो। साल से बोलते आ रहे हैं बार बार के सर्विस कर दो, सर्विस कर दो। बार बार मैं इनको टला देता हूँ, मैं क्यों पैसे लगाने इस मशीन के अंदर, बस चलाए जाओ जैसी चल रही है। लेकिन नहीं, इनका मन है एक बार पूरी खोल करके इसकी पूरी ओवरऑल हो जाए। तो गाइस यहाँ पे क्या है, मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है और मिट्टी का कारण मैं आपको दिखाता हूँ। ये रोड है, यहाँ पर चलता हुआ धूल मिट्टी आती है यहाँ पर। और गाइस एक चीज़ दिखाते हैं हम आपको, ये आ गई हमारी मनपसंद चीज़, देख सकते हैं आप, ये है कॉफ़ी। मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, मगर तुम ना मेरे लिए तड़पना। तुम अगर तड़पे तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, मगर तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर देखा तो फिर आंखों से बहुत दूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, मगर तुम ना मुझको चाहना। तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा। जो अभी बोल रहे थे, हम बोल रहे हैं, उन्होंने तो दिखाई ही नहीं मशीन रिपेयर कहाँ। अच्छा, आप उन्हीं के यहाँ ऑपरेटिंग करते हैं? 14,000 रुपये में तो लगा। नहीं, 22,000 रुपये तो बहुत अच्छे मिल रहे थे आपको। कौन चला था मशीन? दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। भास्वरम भवाभितारकम परम नीलकंठ मिप्सितार्थ दायकम त्रिलोचनम काल काल मंभुजा शमक्ष शूल मक्षरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। अच्छा, सब बोलते हैं कि लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है। अच्छा, सब बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, हाँ। अरे भैया आगे बढ़ ले। ठीक है, अच्छा बताओ, 50 किलो लोहा है, 50 किलो रुई है, ठीक है, और 50 किलो आलू है, तो किस में बैठ ज्यादा होगा? लोहा। हाँ, आयरन है, लोहा। हाँ, लोहे में होगा। लोहे में होगा। लोहे में कैसा होगा? लोहा भारी होता है क्योंकि। अच्छा, लोहा भारी होता है। वाह दीदी, वाह दीदी। तो ऑडियंस सही कहती है क्या? क्या है तो तीनों 50 किलो ही। हाँ, पर वजन तो लोहे में ज्यादा होगा। वजन लोहे में ज्यादा होगा। हाँ, वजन। गुरु घर जमीन तक और गाड़ियां पार्किंग तक ही रह जाएंगी, पत्नी और परिवार घर दरवाजे तक ही रह जाएंगे, और मित्र लोग बहुत हुआ तो चल करके शमशान तक जाएंगे। लेकिन देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे सह। शरीर बहुत जाएगा तो चिता तक जाएगा, उसके बाद में उड़ जा रहे हंस अकेला, ये जग 2 दिन का मेला। तो गाइस ये मशीन खोल दी, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन।
बैरिंगों की कंडीशन आपको तो गाइस टाइम से सर्विस कराना भी बहुत जरूरी है। ये भाइयों ने जिद करके मशीन की सर्विस कराई है। गाइस रात के बज रहे हैं 11 और आप देख सकते हैं मैं अभी काम में लगा हुआ हूँ यहाँ पर खाटू श्याम जी में। ये मशीन की है धुलाई थोड़ी सी और देख सकते हैं कंडीशन, रेत इतना निकला है इसमें से, आप इधर देखिए रेत निकला है इसमें से बहुत, और अभी कंडीशन ये है, एक एक पुर्जा ऐसा चमक रहा है ना। ये सब कुछ मेहनत से होता है, किसी किसी मशीन में मेहनत भी खूब करनी पड़ती है। खुली हुई है पूरी मशीन देख सकते हैं आप, और ये हाल बुरा हाल हो रहा है देखो, तेल ही तेल, 10 लीटर तेल खर्च हो चुका है गाइस इसमें। अरे और ये हमारे भाई साहब टोपी वाले, पता नहीं इनको समझ में आएगा या नहीं आएगा हमारा काम। नहीं बिल्कुल बढ़िया मस्त वाला आ रहा है समझ में। ये स्प्रिंग डालनी है मशीन के अंदर, ये यहाँ पे डलती है और इतनी बहुत मुश्किल से डलती है, पसीने छूट जाते हैं। देखते हैं इसे कौन डालता है, कि हमारे पास 3-4 बंदे खड़े हैं, देखेंगे कौन डालेगा। इस तरीके से डालनी है भाई, आ जाओ यहाँ पर खड़े हो जाओ। गैस ये स्प्रिंग लगाने के चक्कर में अभी पड़ जाता है। पूरी ताकत से खींच लिया, टूट गई रस्सी, बहुत स्प्रिंग में बहुत पावर है इसमें, तो दोबारा ट्राई करते हैं। गाइज ये देखो हमारी मनपसंद चीज, सर्दी का सहारा, हारे का सहारा। गाइज ये भैया हैं, ये सर्दी हो रही है बहुत ज्यादा यहाँ पर खाटू श्याम जी में, और ये कुल्हड़ भी गर्म करके लेके आए हैं मेरे लिए चाय का, पहले चाय का कुल्हड़ गर्म कराए फिर चाय डाली उसके अंदर। और गाइज ये प्यारे से हमारे कैमरामैन, आज इनकी स्कूल की छुट्टी। गाइज इस मशीन की फिटिंग हो चुकी है पूरी कंप्लीट, ये अभी कवर लगाना और प्रिंटिंग करना बाकी रह गया है। तो गाइज मैं एक बात कहना चाह रहा था आपसे, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, जैसे ही एक गलती हमसे हुई है इस मशीन के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने पूरी मशीन फिट कर ली और पेपर भी हमने चलाया है, देखो इम्प्रेशन भी नहीं लग रहा है, और ये क्या है पेपर बार बार यहाँ पर फंसा रही है इधर, देखो गलतियां क्या करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं हो सकती गलती, गलती किसी से भी हो सकती है, भूल चूक किसी से भी हो सकती है, अगर ध्यान ना दें तो वो रह भी सकता है। तो गलती हुई है इसमें, ये इसका ये सेंसर मैंने बाद के लिए रख दिया था कि इसको मैं बाद में लगाऊंगा, और इसको लगाया नहीं हमने। अभी मैं काफ़ी देर से परेशान हो रहा था, चूँ चूँ कर रही थी बार बार मशीन,
103 नंबर दिखा रही थी। तो गैस गलती किसी से भी होती है,